हेलो एवरीवन, अभी रात के 9 बजे हैं और हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने। आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडियन स्टोर है, तो हम खरीद रहे हैं राइस। हम बनाएंगे बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी के लिए हम राइस और चिकन लेने आए हैं और बाकी भी उसका सब अरेंजमेंट लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं राइस, ये 40 LB है। 40 LB मतलब 20 kg अराउंड। तो इसका प्राइस है $49.99। तो उसी हिसाब से जो 10 LB होता है मतलब 5 kg, उसका प्राइस होता है $13 के आसपास। $13 मतलब अराउंड 1000 rupees। उसी तरह है, हम लेंगे बिरयानी के लिए घी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत डिफरेंट टाइप्स के घी हैं। तो ये है 1 kg घी, तो 1 kg का प्राइस है $15, वो भी वही 1000 के आसपास। तो हम ले लिए हैं एक प्योर घी, ये एक प्योर शुद्ध घी है जिसका कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 700 rupees है। ये कितना है, आधा किलो नहीं है ये, 450 ग्राम, 450 ग्राम से भी कम होगा। तो ये है प्योर घी और ये सब रिफाइंड है क्योंकि इसके कलर से आप देख सकते हैं एकदम येलो है और ये ब्राउन है, जो हम घर में घी बनाते हैं इसी कलर का आता है। तो मैंने ये ले लिया, आज पहली बार लिया है ट्राई करने। तो हम चलते हैं आज बिरयानी की तैयारी। तो ये हम ले लिए हैं धनिया पत्ता और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिरयानी में है मिंट लीव्स मतलब पुदीना पत्ता, तो ये भी हम ले लिए हैं। चलते हैं हम आगे और हमें जो जो ज़रूरत है हम देख के ले लेंगे। आप देख सकते हैं लियो को मैं कभी कभार ये टोपी पहना देती हूँ, ये गाड़ी में पड़ा रहता है, तो ये उसके इंडियन होने का निशानी है। सर्दी पड़ गई तो सब जैकेट पहने। ये आप देख सकते हैं यहाँ टॉयलेट में होता नहीं है धोने के लिए, तो ये ऐसा लोटा मिलता है चिराग टाइप का, तो ये इजी रहता है धोने के लिए, ये बहुत काम में आता है। बाकी आपके टॉयलेट में जेट्स वगैरह नहीं होता यहाँ धोने के लिए। बोलो, तो ये देखिए हम ले रहे हैं पार्ले जी बिस्किट। आप कोई भी कंट्री चले जाइए, कोई और इंडिया का बिस्किट मिले ना मिले, पार्ले जी हर जगह मिलता है। तो हम ये एक ले रहे हैं बड़ा पैक लियो के लिए और पापा के लिए चाय के साथ खाने के लिए। और लियो ले लिया है अपना सामान, एक कुकी कुछ पकड़ के घूम रहे। लियो कम 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 बेबी, वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग टू विलेज, यू हैव टू फॉलो पापा, गो फॉलो पापा। वो जैकेट ढूंढ रहे हैं कहाँ बिल करेगा, लेके चला गया अपना फेवरेट। तो यहाँ हमने ले लिया है फ्राइड ऑनियन, मैं वैसे तो घर पे ही बनाती हूँ लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कभी अगर जल्दी जल्दी में बिरयानी बनाना हो तो ये बहुत काम आएगा। पीनट बटर जेली, नहीं बिरयानी मसाला नहीं है, वो बिरयानी मसाला लजीजा का, क्योंकि लजीजा मेरा फेवरेट है। हमने ये ले लिया है लजीजा का बिरयानी मसाला, तो हम अभी गरम मसाला भी ले लेंगे, घर में गरम मसाला भी नहीं है। लियो पीनट बटर जेली, पीनट द फार्मर, फार्मर टेक्स द, द फार्मर टेक्स द, आई होल्ड द डेरी एंड द टेक्स द वाइफ, द वाइफ टेक्स द डेरी का, द वाइफ टेक्स द, आई होल्ड द डेरी एंड द वाइफ टेक्स द चाइल्ड, द चाइल्ड टेक्स द नर्स। Okay.
हमने यहाँ ले लिया है गरम मसाला बियर का। तो हम आके पहुँच गए हैं शॉप राइट चिकन बिरयानी का सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट लेने, और वो है चिकन। तो आज बहुत ही बढ़िया सीन है, बहुत अच्छा दिख रहा है मून। एक्चुअली यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं जब घर के पास जाऊँगी वहाँ से अच्छे से दिखता है तब मैं दिखाऊँगी आपको। तो हम आके पहुँच गए हैं चिकन लेने, देखते हैं अभी हम कौन सा चिकन लेते हैं। कौन सा चिकन? चिकन लेग क्वार्टर। चिकन लेग क्वार्टर, ओके। यू वांट मोर कुकी? डू यू वांट मोर कुकी? आस्क पापा, पापा गिव मी मोर कुकी, पापा गिव मोर कुकी। डू यू वांट पालेजी? व्हाट पालेजी? गुकी, गुकी, जी फॉर गुकी, जी फॉर गुकी। तो यहाँ पे एक लाजवाब चीज है, ये देखिए केंकड़ा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ये $16 है। तो इस महीने हमारा बहुत शॉपिंग हुआ है, तो हम नेक्स्ट महीने ही लेंगे। ये क्या है? वाओ, ये देखिए क्लॉज, बहुत ही बड़ा बड़ा क्लॉज है, कितना बड़ा साइज आप देख रहे हैं। मेरे हाथ के साथ देखिए पता चलेगा, बहुत ही बड़ा है। ये देखिए मेरे हाथ के साथ, मेरा हाथ जितना बड़ा बड़ा ये उतना बड़ा। तो ये मैंने लियो का हाथ बांध दिया है नाड़े से ताकि तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिरयानी इज इनकम्प्लीट विदाउट हिप्पो चिकन। नो, विदाउट ड्रिंक कोक। यस, तो चारों ऑफर में था, तो चार को है $13। $13 मीन्स कितना? 700, 800 के अराउंड, 900 के अराउंड है ना। 900 रुपए में ये चार बड़े बड़े, इसमें 12 कैंस है। तो ये है मून, पकड़ो लियो को, लियो होल्ड पापा का हैंड। या इट्स वेरी गुड, टेक अ पिक्चर। या तो ये है मून, आज कितना प्यारा दिख रहा है, आप देख सकते हैं इतना। क्या पूछता है भारत? आपके बिरयानी बनाने का राज क्या है, यही पूछता है भारत, है ना लियो? पूछता है भारत से, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। हेलो एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बनाना बिरयानी। तो ये चावल हम लेके आए हैं, ये है सोना मसूरी। यहाँ पे जो सोना मसूरी मिलता है वो एकदम इंडिया के बुलेट राइस जैसा होता है। अगर आप इंडिया में कभी बुलेट राइस खाए होंगे तो आपको पता होगा उसका टेस्ट। अगर आप नहीं खाए होंगे तो आप बुलेट राइस ज़रूर ट्राई करें, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली बिरयानी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब बैंगलोर में थी तो हम बुलेट राइस यूज़ करते थे बिरयानी में, बहुत ही बढ़िया लगा। उससे पहले हम लोगों को लॉन्ग ग्रेन राइस यूज़ करते थे, बासमती राइस, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता था बिरयानी में, लेकिन ये जो राइस है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। पर इंडिया में उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है लॉन्ग ग्रेन राइस के मुकाबले, पर यहाँ पे इसका कॉस्ट ज़्यादा है लॉन्ग ग्रेन राइस के मुकाबले, लेकिन हम फिर भी यही लाते हैं बिरयानी के लिए। तो आज पहली बार हम एक अलग ब्रांड का लेके आए हैं, इसका देखते हैं राइस कैसा टेस्ट होता है। देखिए ऑलमोस्ट आपका जो जीरा राइस आता है ना उसी टाइप का है, थोड़ा टेस्ट अलग है। तो बिरयानी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, वहाँ है चाकू उसके ऊपर, माइक्रोवेव के ऊपर, और अरविंद चले चिकन काटने। चिकन काटने का डिपार्टमेंट अरविंद का है, राइट?
और मैं चली यहाँ काटने। ओके अरविंद, चाकू कैसे शार्प करें देखिए, ये उनकी कला है ना अरविंद, क्योंकि आज रसोड़े में अरविंद है। तो और मैं चली काटने ऑनियन और आलू। हम आलू डालते हैं इसमें बिरयानी में, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली बंगाली बिरयानी जो होता है वो आलू से होता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ, काट रही हूँ कुछ धनिया पत्ता, कलकत्ता बिरयानी। हाँ, और मैं यहाँ ले रही हूँ पुदीना पत्ता। मैं इसे सब धो के काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए चिकन कट के रेडी हो गया। तो हम इसमें इसे मैरिनेट करने के लिए डालते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और ले लेंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, कर्ड। थोड़ा ज़्यादा ही हम कर्ड लेंगे क्योंकि हम इसमें टमाटो नहीं डालेंगे, तो उसके जो ग्रेवी है वो पूरे कर्ड से ही बनेगा। और फाइनली हम इसमें ले लेंगे बिरयानी मसाला। इसे हाथ में मिलाने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो अरविंद उसे हाथ से ही मिला ले रहे हैं ताकि अंदर तक उसका मसाला पहुँच सके। अब इसमें हम फाइनली ले लेंगे सरसों का तेल, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन में। तो ये आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने काट लिया है ऑनियन। ऑनियन को आपको ऐसे लंबा ही काटना है। देन मैंने काट लिया है मिंट लीव्स, जो कि बहुत ज़रूरी है बिरयानी में। और ये है धनिया पत्ता। और मैंने खड़ा मसाले ले लिया है यहाँ पे, वो है इलायची, छोटी इलायची। बड़ी इलायची मेरे पास नहीं है लेकिन बिरयानी मसाले में होगा तो ठीक है, बैलेंस कर देगा। और ये है जावित्री फल, और ये है ब्लैक पेपर, और लौंग, और तेज़पत्ता। तो आपके पास अगर जावित्री फूल वगैरह भी है तो अच्छा है, आप ले सकते हैं। मेरे पास इतना खड़ा मसाला था तो मैंने ले लिया है। तो अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने धो के चढ़ा दिया है चावल। तो चावल को हमें ऐसे रखना है कि वो चिपके ना, तो हम इसमें ढेर सारा नमक ले लेंगे ताकि ये जो हमारा बिरयानी बनता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा नमक होने से वो चावल टेस्टी लगता है, अदरवाइज़ चावल इतना अच्छा नहीं लगता खाने को। तो हम इसमें डालेंगे विनेगर, ये मैं हमेशा डालती हूँ ताकि चावल ना चिपके। और इसमें मैं ले लूँगी ऑयल, इतना ही। मैं इस चावल में ले लेती हूँ खड़ा मसाला, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, जावित्री फूल, और कुछ इलायची, इससे जो चावल है उसका भी एक बहुत अच्छा स्मेल आ जाता है। और इसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस फ्लेवर के लिए। तो जब तक चावल होता है तब तक हम ये चिकन बना लेते हैं। तो चिकन में हम ले लेंगे ऑयल। तो इसमें मैं खड़ा मसाला डालना भूल गई थी, तो इसमें जो बाकी बचा था खड़ा मसाला जो मैं ली थी, मैंने इसको डाल दिया है। डालना सिनेमन, क्योंकि इसमें इतना सारा मसाला रहता है कि आप कभी कभार भूल भी जाते हैं कुछ कुछ डालना। तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ, अभी जो स्टार्ट हुआ है तो उसका फ्लेवर अच्छे से मिल पाएगा। तो जब तक हमारा वो सब बन के रेडी होता है, हम कर लेते हैं रायते की तैयारी। तो रायते के लिए मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून करीब कर्ड। ये बहुत ही मोटा है तो इसको हमें पानी डालना पड़ेगा हल्का करने के लिए। हम लोगों को पानी मतलब रायता हल्का होने से ही पसंद है। तो मैं इसमें ले लेती हूँ ब्लैक सॉल्ट,
हिमालयन सॉल्ट भी बोल सकते हैं, काला नमक भी बोलते हैं। स्वाद अनुसार वाइट सॉल्ट। अब इसमें मैं ले लेती हूँ ऑनियन बारीक कटा हुआ, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। तो ये जो रायता मैं बना रही हूँ ये इतना अच्छा जाता है आपके बिरयानी के साथ। आप कभी बनाइए, खाइए और फिर मुझे बताइए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है बिरयानी के साथ। एकदम सादा है, इसमें कुछ मसाला नहीं है, क्योंकि कोई भी मसाला डालने से एक तो बिरयानी बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है और ये होता है उसे बैलेंस करने के लिए। तो इसका टेस्ट जितना हल्का हो उतना अच्छा लगता है, ये जितना पानी वाला हो वो उतना अच्छा जाता है बिरयानी के साथ। तो एकदम इसी तरह से बनाइए रायता, फिर मुझे बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा। ये अरविंद जी आज बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो ये देखिए ऑनियन हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब अरविंद जी इसमें डालेंगे चिकन। इसमें उन्होंने ले लिया है चिकन। बीच बीच में अरविंद जी श्री दर्शन देने आते हैं और पूरा क्रेडिट डायरेक्शन देने आते हैं और पूरा क्रेडिट वही ले जाते हैं। तो आज तो आप देख ही रहे होंगे कितना काम कर रहे हैं अरविंद स्टार्टिंग से एंड तक। तो इसको हम अभी अच्छे से मिला लेते हैं इसी तरह चला के, फिर हम इसे ढक के रख देंगे। तो मैंने यहाँ चिकन को थोड़ी देर पका लिया है। मैं अभी इसमें डाल दूंगी आलू, क्योंकि एक साथ आलू और चिकन एक ही साथ हो जाएगा। तो आपको अटपटा लग रहा होगा, पता है मुझे चिकन मतलब चिकन बिरयानी में आलू, पर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन बिरयानी में आलू। हम विदाउट आलू चिकन बिरयानी नहीं बनाते। तो चिकन बिरयानी का जो आलू है वो बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी डाल के देखिए, एक दो पीस से स्टार्ट कीजिए, आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा चिकन बिरयानी में आलू। तो मैं अभी इसे ढक लूँगी, थोड़ा इसे मिला के फिर मैं इसे ढक लूँगी और चिकन को पकने देते हैं फिर। तो ये आप देख सकते हैं चावल बनके रेडी हो गया है और ये चावल इतना अलग अलग होके हैं, ये चिपका नहीं है। तो मैं इसका स्टार्च निकाल ली हूँ। ये रहा चावल का पानी जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम देंगे। तो ये घी आज मैं लेके आई हूँ, आप इसका कलर देख सकते हैं। मार्केट में जो घी मिलता है उससे एकदम अलग है और ऐसा लग रहा है घर पे बनाया गया है। तो मैं हम ये आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं। वाओ, ये जो स्मेल आ रहा है ना, मतलब एकदम प्योर गांव में जैसा घी बनाया जाता है देसी घी वैसा ही है। बहुत बढ़िया है, नाइस परचेज। ये बहुत अच्छा काम आएगा, लियो के भी खाने में काम आएगा, इतना शुद्ध है तो बहुत अच्छा है ये। क्योंकि आप जो मार्केट से खरीदते हैं आप देखे होंगे उसका कलर येलोइश आता है, इसका कलर देखिए ब्राउन एकदम। तो फिर आ गए हैं अरविंद दर्शन देने। नहीं नहीं ठीक ठीक, सारा डायरेक्शन मेरा फॉलो हुआ है। आपका डायरेक्शन? रसोड़े में कौन था? अरे रसोड़े में कौन था? अभी सारा चिकन निकाल के खाली कुकर चढ़ा दूंगा। चिकन निकाल के खाली कुकर चढ़ा देगा? आप देख सकते हैं चिकन देखते ही अरविंद के मुंह से पानी निकल गया। थैंक गॉड इसके अंदर नहीं रहा। बहुत टाइम लगेगा। क्यों? हो गया है चिकन ऑलमोस्ट, देख सकते हैं आप कितना लाजवाब दिख रहा है। नहीं ये हो गया, तो हम अभी लेयरिंग कर देंगे। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप स्टे ट्यून्ड और देखिए मैं कैसे करती हूँ लेयरिंग। तो चलते हैं हम लेयरिंग कर लेते हैं। देखा, तो इस तरह हम कर रहे हैं, थोड़ा जूसी जूसी बनेगा आज। मैं जानबूझ के इसमें ग्रेवी रखी हूँ तो वो चिकन बिरयानी ज़्यादा टेस्टी लगता है थोड़ा ग्रेवी रहने से। ये दम बिरयानी है तो हम इसमें अब ले लेते हैं ड्राइड ऑनियन।
और हम इसमें अभी ले लेंगे फूड कलर, जो कि मैं जनरली लेती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं ले रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल बन रहा है। तो मैं इसमें फाइनली ले लेती हूँ धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, और इसमें हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। आपके पास अगर रोज़ वाटर है तो उसको भी डालिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम लेंगे शुद्ध देसी घी। इसमें इसको लगा देती हूँ, और ये जो होल है हमारा कवर में, तो मैं इसमें दे दूंगी, इसको कवर कर लूंगी ताकि इसका हवा बाहर ना जाए। हेलो, तो फाइनली बनके रेडी हो गया है हमारा बिरयानी। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब दिख रहा है। अभी हम इसको खोलेंगे और खाएंगे। तो मैं आज आपको बताती हूँ बिरयानी कैसे निकालते हैं। बिरयानी जब हम निकालते हैं तो हमको चम्मच को वर्टिकली लेना पड़ता है, ऐसे चम्मच आपको लेना है, प्लेन चम्मच। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। थोड़ा हम चावल मिला लेते हैं। तो हमको ऐसे सीधे लेना पड़ता है क्योंकि हम लेयरिंग किए हैं, वरना तो ये देख सकते हैं चावल और मसाला मिक्स होके आया। और ये आ गया चिकन, आलू हम दोनों का फेवरेट, और ये चिकन। ये बना है प्रॉपर दम बिरयानी, क्योंकि दम बिरयानी जो होता है वो थोड़ी ग्रेवी के साथ होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना मस्त ग्रेवी आया है। बहुत ही यम्मी है, पूरा दम बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी। ऐसा एकदम परफेक्ट है। थोड़ा चिकन खा लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं खाना, बहुत भूख लगी है। बहुत ही लाजवाब बनाया आज, प्रॉपर दम बिरयानी। मार्केट का हैदराबादी दम बिरयानी, बट कम मसाला, मार्केट में बहुत ज़्यादा मसाला होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। मज़ा आ गया, आप भी ऐसे बनाइए, खाइए और हमें बताइए। तो ठीक है, हम खा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो इसी तरह हमारा ब्लॉग देखते रहिएगा, हमें प्यार देते रहिएगा, बहुत शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मिलने से हमारा चैनल और आगे बढ़ पाएगा, हमारा फैमिली और आगे बढ़ पाएगा।
हमारे YouTube फैमिली और आगे बढ़ पाएगा और हम इसी तरह नए नए वीडियो बनाएंगे आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। अच्छा खाने को मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलता क्या? हमेशा मिलता है अच्छा खाने को। तो आप इसी तरह हमारे चैनल देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए डिश के साथ और कुछ नए मस्ती लेके। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।